जी नेताजी, तो बताइए आप किस आवश्यकता को यहाँ पे लेकर के आए हैं? देखिए, बहुत सारी परेशानियाँ होती है आवाम के साथ, जनता के साथ। हमारे वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जी हैं, इधर प्रखंड अध्यक्ष बेचन यादव जी हैं, जी सर, जनसंख्या के अध्यक्ष हैं सऊद आलम साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। हम लोग यही देख रहे हैं कि किन किन लोगों की परेशानी है। सबसे बड़े हम जो देख रहे हैं यहाँ परेशानी महिलाओं को हो रही है, और सबसे बड़े इस हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्र में सबसे बड़ी कमी है कि महिला डॉक्टर का यहाँ पर इंतज़ाम नहीं, इसमें, इस ओपीडी में। इसलिए सरकार, बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि सबसे पहले इसमें, इस ओपीडी में महिला डॉक्टर की नियुक्त करें, ताकि महिला की जो परेशानी है, बराह रास्त उनके जो अंदरूनी अमराज या बीमारियाँ है उसको पूरी करें, और जितनी भी कमियाँ पेशियाँ वो तमाम चीज़ों को ख़त्म करें, लोगों की परेशानियों को ख़त्म करें। बाहर से दवाई कम लिखी जाए, और जो दवाई लिखी जाए यहाँ पर कम से कम अवेलेबल हो, और किसी तरीके से लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये हम मांग करते हैं सरकार से। इसलिए कि लोग जब बाहर की दवाई लिख देंगे, जांच लिख देंगे, तो यकीनी तौर पर लोग गरीब हैं, परेशान होंगे, फिर स्वास्थ्य केंद्र का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम तो देख रहे हैं, इधर आइए, आपको हम दिखाते हैं कि तमाम ताला लगे हुए हैं, अगर इसमें अगर सही तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए। आइए देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं, ताला लगा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारा काम होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये तमाम चीज़ आपके सामने है, देख लीजिए। इसलिए हम लोग की कोशिश है कि देख रहे हैं, ताला लगा हुआ, ऐसा कोई जी जी लाना चाहिए, जी जी, सबको खुले रखना, आवाम के लिए, जनता के लिए, सबको खोल के रखना चाहिए। ये तो शौचालय है, शौचालय को भी बंद करके रखे हुए हैं।